वाह भाई खेलना वाह भाई। नहीं आता। हम लड़के तो बहुत प्रो है। अच्छा अच्छा, हम लड़कियां प्रो है, ठीक है। हाँ तुम नहीं जैसे तो लड़के अच्छे नहीं खेलते, लड़के नूब है, नूब। अच्छा लड़कियां लड़के जो कस्टम करते है, जो जीता वो प्रो प्लेयर, जो हारा वो बंदर। ठीक वाह है, चल बना करते हैं। देखते हैं हार करते हैं। जाएगी चल आज तू। नहीं वाह भाई हाँ, देख गाइस लेंगे जो कौन प्रेडिक्ट हारता है कौन जीतता है। करे जय माँ काल बचा जीजे, ठोके लाइक के चैनल सब्सक्राइब। गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी लाइक से सब्सक्राइब करना। गाइस वीडियो को फटाफट फटाफट से लाइक कर देना जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फटाफट से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। सो गाइस आज का कस्टम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे थ्री गर्ल्स वर्सेस होने वाला है पाटिल। तीन गर्ल्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिम्पी, मिस पूजा और मिस एंजल वर्सेस पाटिल। सो यहाँ पे तीनों गर्ल्स को पाटिल को हैंडल करना है। देखते हैं गाइस क्या पाटिल तीनों गर्ल्स को हैंडल कर पाता है नहीं, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था पाटिल को, पाटिल तो मार खाने वाला है। सो देखते हैं गाइस पाटिल मार खाता है या मार खिलाता है। सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट राउंड, एंड देखते हैं कि पाटिल क्या करने वाला है। यहाँ पे पाटिल के सामने आ चुकी है शिम्पी, बहुत सही यहाँ पे ग्लू वो लगी। देखते हैं डेजर्ट ईगल से भाई तीन बंदियां हैंडल करना क्या पॉसिबल हो पाएगा, या फिर पाटिल मार खाने वाला है। ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल तो लगा, बट यहाँ पे पड़ा पाटिल को डैमेज, यहाँ पे खुद को कर लिया उसने पैक। यहाँ पे तीनों की तीनों बंदियां बाहर वेट करेंगे पाटिल कब ग्लू वॉल से बाहर निकले और बस पाटिल को खत्म किया जाए। देखते हैं यहाँ पाटिल क्या बच के निकल पाता है। यस फिलहाल तो निकला, बट तीनों की तीनों बंदियां फायर पे फायर दिए जा रही है, एंड पाटिल ग्लू वॉल लगा लगा के निकलने की पूरी पूरी कोशिश। सो यहाँ पे फिलहाल पाटिल गया वापस शिम्पी के सामने, भाई यहाँ पे विद हेड शॉट खत्म कर दिया गया बाय शिम्पी। तो इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है सेकेंड राउंड, एंड देखते हैं क्या सेकेंड राउंड में पाटिल हैंडल कर पाता है या नहीं, क्योंकि तीन तीन लड़कियां भाई भाई यहाँ पे पड़ा पाटिल को डैमेज, एंड फिर से उसको करना पड़ेगा हील, क्योंकि पाटिल यहाँ पे MP5 लेके खड़ा है। एंड बाहर देख सकते हो गाइस दोनों तीनों लड़कियां यहाँ पे देखते हैं। ओ वो 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 व्हाट अ लवली हेड बॉय पाटिल। देखते हैं एक बंदे से यहाँ पे हो चुकी है डाउन, एंड यहाँ पे बट सेकंड को भी थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया पाटिल ने, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि पाटिल फिर से मार खाने वाला है गाइस। इस राउंड में भी हील कर रहा है यहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ पे शिम्पी भाई आई नहीं 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 यहाँ पे बचने की पूरी पूरी कोशिश। यहाँ पे भाई डैमेज देखे, ओ वो 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 फिर से लगा गंदा वाला डैमेज पाटिल को, भाई पाटिल कैसे बचेगा। मैंने कहा था मार खाने वाला, ये क्या जोन से एलिमिनेट होने की कोशिश कर रहा है क्या, जोन से एलिमिनेट हो जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया पाटिल ने। ओके देखते हैं क्या पाटिल यहाँ पे ऊपर जा पाएगा या नहीं। एक दो बंदियाँ यहाँ पे हो चुकी फिनिश आउट। ओके यहाँ पे एक बंदी और बची, देखते हैं लास्ट क्या बंदी को हैंडल कर पाएगा पाटिल या नहीं। नहीं अभी स्टिल दो बंदियां अलाइव है, लेट सी दो बंदियां वर्सेस पाटिल। यहाँ पे पाटिल की हेल्थ बची सिर्फ सिर्फ इतनी कम, 2 की HP, मरने वाला है गाइस, फिर मार खाने वाला है, मरने वाला है पाटिल यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो बंदियां भाई जिसमें से एक ही लड़ रही है अभी तो फिलहाल। शिम्पी तो भाई दूर पे यहाँ पे कवर देने के लिए खड़ी हुई है, कि अगर दूर से थोड़ा सा भी मौका मिला तो यहाँ पे पाटिल को चिपका दिया जाएगा। देखते हैं क्या यहाँ पे, ओ यहाँ पे दिया शिम्पी को डैमेज, बट शिम्पी ने अपना क्रोनो ऑन कर लिया है, वो तो खड़े खड़े वहाँ पे इमोट दिखा रही है। लोल शिम्पी इज लाइक, हाँ तुम आओ, तुम हम अकेले से लड़ने के लिए फाइट लेने के लिए यहाँ पे रेडी बैठे, तो हम भी यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है आओ तुम बस जोन में आके दिखा दो। शिम्पी ऑलरेडी जोन कर कवर करके वहाँ पे खड़ी हुई है, दोनों को दोनों बंदियाँ पहुँच चुकी जोन के अंदर। पाटिल की सिर्फ 2 की HP बची हुई है, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक यहाँ पे जिंदा रह पाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही जल्दी मरने वाला है, या तो जोन से एलिमिनेट होने वाला है या फिर लड़कियों से खाने वाला है मार। भाई शिम्पी यहाँ पे चला है डेजर्ट ईगल भाई दिखा, बट यहाँ पे पाटिल ने एक और कर दिया बंदी डाउन, बट यहाँ पे शिम्पी ने फिनिश आउट कर दिया पाटिल को। ओके सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है थर्ड राउंड, एंड अब देखना बनता है कि क्या पाटिल अकेला इस बार क्या, ओ वो आते ही डैमेज देना स्टार्ट। इस बार तो 2 नली लेके आया, देखते हैं 2 नली। ओ व्हाट अ लवली हेड बाय पाटिल, ओ माय गॉड गाइस अभी बच्चे 2 बंदियां, स्टिल पाटिल को दोनों को हैंडल करना है यहाँ पे फिनिश आउट करने की। यस फिनिश आउट कर दिया गया, मिस पूजा को शिम्पी यहाँ पे सामने, शिम्पी को भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया। शिम्पी क्रोनो ऑन करने की कोशिश कर रही है, बट उसका क्रोनो ऑन ही नहीं हुआ लॉल, बट यहाँ पे काफी अच्छा डैमेज दिया शिम्पी ने। ओके पाटिल अभी फिलहाल कर रहा है हील यहाँ पे। ओके अब देखते हैं यार गाइस दोनों की दोनों लड़कियां बाहर खड़ी हुई है यहाँ पे, भाई आई सामने एंजल, ओ वो फिर से बड़ा गंदा वाला डैमेज
भाई क्या ही करेगा पाटिल, कैसे बचेगा गाइस लड़कियों से, मुझे नहीं लगता कि पाटिल यार जीत पाएगा। क्या लगता है गाइस तुम लोगों को, क्या ये पाटिल जीत पाएगा एक राउंड भी, मतलब एक राउंड या दो राउंड भी जीत पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। बिकॉज तीनों ही तीनों लड़के अपनी कतई पीरो वाली हो रखी है एकदम बस, क्योंकि उनको पता है मारना तो सिर्फ एक को, किधर से भी कवर करके लेके जाए और ना सामने से फिनिश आउट कर सकती है। थर्ड राउंड देखते हैं, पाटिल यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्लू वो लगा रहा है, बट तो यार बंदियाँ भी तो है, अभी स्टिल दो बची, एक को फिनिश आउट किया है बट अभी स्टिल दो दो बंदियाँ यहाँ पे बची हुई, एंजल बची हुई, शिम्पी बची, शिम्पी ओ हो शिम्पी को दिया हेड, शिम्पी ने अपना लगा लिया, क्रोनो यहाँ पे भाई भाई क्रोनो के सही फायदे उठाती है शिम्पी, पाटिल पहुँच गया क्रोनो के अंदर भाई भाई, भी शिम्पी भाग गई। पर चलो देखते हैं क्या पाटिल शिम्पी को फिनिश आउट कर पाएगा नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोशिश चल रही है बट दो दो बंदियाँ, ओ शिम्पी यहाँ पे हो चुकी है डाउन। ओके यहाँ पे देखते हैं एंजल, क्या एंजल यहाँ पे बचा पाएगी, नहीं यार एंजल सेव नहीं कर पाई शिम्पी को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है पाटिल यहाँ पे, बट ओ वो एंजल ने कर दिया फिनिश आउट। ओके सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फोर्थ राउंड एंड देखते हैं, तीन राउंड तो यहाँ पे गर्ल्स ऑलरेडी जीत चुकी है पाटिल के सामने, एंजल थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, काफ़ी अच्छी ग्लू वॉल लगा ली, देखते क्या इस बार भी फिर से मार करने, यहाँ पे हो चुकी एंजल डाउन। ओ भाई भाई दोनों बंदियाँ कहाँ पे है, कहाँ हो, आओ जरा बचाओ एंजल को, भाई पता नहीं दोनों ही कहाँ पे है। ओके देखते दोनों बंदियाँ क्या करने वाली, ओके यहाँ पे आ चुकी है सामने पूजा, देखते पूजा को यहाँ पे पड़ा डैमेज बहुत है, यहाँ पे पाटिल ने फिर से लगा ली ग्लू वॉल, मुझे लग रहा है कि शायद गर्ल्स भी लाइक हाँ हमको पता है हम तीन राउंड जीत चुके हैं तो हमको अभी डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस तुम आके दिखाओ भाई। पाटिल उसके क्रोनो में जाके चुप गया, वो कहाँ गई, अच्छा पूजा तो भाग गई यार लोल भाई, यहाँ से इतनी दूर से डैमेज देने की कोशिश, पाटिल के पास में आ चुकी MP40 और दो नली भी, लेट्स सी गाइस क्या पाटिल यहाँ पे फिनिश आउट कर पाएगा या नहीं। सो गाइस मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है कि यार तीनों बंदियों को पता है कि पाटिल को हम इजीली फिनिश आउट कर सकते हैं क्योंकि इतना वो टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है थोड़ा थोड़ा तो डैमेज देना है, थोड़ा थोड़ा सब लोग डैमेज देंगे, मेडिकेट वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो पाटिल को यहाँ पे खत्म फिनिश आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। वहाँ पे हो चुकी अपनी पूजा भी डाउन, अभी बची शिम्पी, ओनली शिम्पी बचाने जा रही पूजा को, लेट्स सी क्या शिम्पी बचा पाएगी, नहीं शिम्पी वहाँ से फिलहाल निकल चुके क्योंकि उसको पता है पाटिल पीछे के पीछे पड़ा हुआ है। देखते हैं गाइस क्या शिम्पी, ओ वो 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 वॉट अ लवली हेड, एंड यहाँ पे चलो फाइनली, मतलब गर्ल्स ने जो सोचा था कि भाई हम अकेले अकेले जाके फिनिश आउट कर देंगे बट पाटिल ने इस चीज़ का मौका नहीं दिया, बिकॉज तीनों अगर साथ आएंगी तो पाटिल उनको फिनिश करने में थोड़ा सा होने हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लगा या फिर नहीं फिनिश आउट कर पाए, अगर अकेले अकेली लड़कियाँ आएंगी तो पाटिल बट ऑब्वियसली बात है फिनिश आउट कर देगा उनको। ओके सो इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है फिफ्थ राउंड एंड देखते हैं कि फिफ्थ राउंड अगर फिर से लड़कियाँ वही प्लान करके आ रही है अगर सोलो सोलो तो यहाँ मार खाने वाली मुझे ऐसा फील आ रहा है, अगर वो तीनों साथ में आती है जैसे कि फर्स्ट इन्होंने तीन राउंड में किया था बट जैसे कि तीन राउंड में इजीली इन लोगों ने पाटिल को फिनिश आउट कर दिया था तो अभी इन लोगों का प्लान शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलो सोलो सब लोग आने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई चलो पाटिल को भी थोड़ा सा मौका दे दिया जाए यहाँ पे, कि भाई वो भी हमको मार के दिखाए, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया गया एंजल की तरफ से बट अभी फिलहाल कर रहा है पाटिल हील, देखते हैं क्या यहाँ पे फिनिश आउट कर पाएगा या नहीं भाई भाई। ओ वो गाइस क्या ही हेड पे हेड पाटिल चिपकाया जा रहा ना, गजब नेक्स्ट लेवल मींस गजब लेवल। तो यहाँ पे हो चुकी मिस एंजल डाउन, अभी देखते पूरा फिनिश आउट कर जाएगा मिस एंजल को, अभी दो बंदियां बची अपनी भाई पूजा आई फाइट गाइस, मैं कह रही हूँ अगर ये सोलो सोलो लड़की आएंगी ना तो भाई मार खाने वाली है, मतलब ये सोच रहे कि भाई हम अकेले अकेले ही निपटा देंगे ठीक है, तो ये एक दूसरे को खुद ही मौका देने की कोशिश करें, अगर अकेले अकेले के आओगे तो भाई चिपका दीजिएगा। एंड यहाँ पे अगेन डेजर्ट ईगल का हेड शॉट बाय पाटिल, सो यहाँ पे तो हो चुकी है पूजा अपनी डाउन, अभी फिर से शिम्पी अकेले बची, लेट्स सी गाइस क्या पाटिल शिम्पी को मारता है क्योंकि जब भी पाटिल और शिम्पी दोनों साथ खेलते भाई पाटिल ने यहाँ पे चिपकाया शिम्पी को। ओके देखते क्या यहाँ पे पाटिल फिनिश आउट करता है या नहीं, ओके शिम्पी बच पाती या नहीं, शिम्पी भाई यहाँ पे M500 से मारने की कोशिश करी कि भाई सिर्फ M500 से यहाँ पे हेड दिया जाए, लेट्स सी क्या यहाँ पे शिम्पी फिनिश आउट कर पाएगी या नहीं भाई 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 भाई, भाई कहाँ कहाँ गोली कहाँ चला रहे हो तुम, कोई तो दिखना चाहिए। ओ माय गॉड गाइस अगेन हेडशॉट बाय पाटिल, ओपी बोलते ब्रो। ओके सो देखते हैं गाइस सोलो सोलो फिर से क्या लड़कियां वही प्लान करने वाली है, यहाँ पर मिस पूजा सामने नाचते हुए दिख रही है पाटिल को। ओके मुझे अगर लगता है अगर ये गाइस अगर सोलो सोलो अगर बंदी आई सारी तो जरूर से मार खाने वाली है पाटिल से, लेट्स सी यहाँ पर फिर से अगर इनका प्लान हुआ सोलो सोलो आने का, शिम्पी भाई यहाँ पर नाच रही तब तक यहाँ पर हो चुकी मिस पूजा डाउन विथ डेजर्ट ईगल का हेड। ओके एंजल फिलहाल जा रही है यहाँ पे, पाटिल ने कर दिया फिनिश आउट। ओके अभी यहाँ पे एंजल आ चुकी है, मतलब इन लोगों की जो प्लानिंग चल रही है ना भाई, वन बी वन, मतलब पहले जब स्टार्टिंग में खेले थे तब तो बहुत सही खेल रहे थे क्योंकि तीनों तब तीनों ही साथ में आ रही थी, एंड अब जो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है ना अकेले अकेले आने की,
तो भाई यहाँ पे मार खाने के लिए सबके सब रेडी हो चुके हैं भाई। क्या ही दोनों के दोनों क्या ही वॉल लगा रही एंजल गाइस, वो एंजल की वॉल देख सकते हो कितनी प्यारी वाली, मतलब वॉल लगाने की कोशिश भाई। यहाँ पे डैमेज दिया थोड़ा बहुत तो, बट इतना डैमेज लगा नहीं। एंड फिर उसे अगेन थोड़ा सा एक बॉडी शॉट और लगा एंजल को, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंजल हो चुके फिलहाल तो डाउन। ओके यहाँ पे भी देखते शिम्पी आ चुकी है गाइज, लेट्स सी। ओ शिम्पी को पड़ा एक बॉडी शॉट, भाग शिम्पी भाग, नहीं तो तू होने वाली फिनिश आउट गाइज। शिम्पी अलग ही एटीट्यूड में चल रही है, भाई मैं तो मार ही लूंगी, ठीक है वो बचाने चली गई शायद से, मुझे ऐसा लगता है। यस बचाने नहीं गई, चलो नहीं बचाए फिलहाल तो। अभी बची है पाटिल वर्सेस शिम्पी, लेट्स सी गाइज। मुझे लगता है शिम्पी मार खाएगी, पक्का मार खाएगी, क्योंकि शिम्पी जब भी एटीट्यूड में आके खेलती रहा तभी ये मार खाती खाती है यहाँ पे। ओके यहाँ पे आई शिम्पी पीछे, देखते हैं भाई 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 भाई, 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 भाई मतलब क्या क्या करके आई। ओ भाई ले खड़ी हुई और चिपका दिया उसने हेड शॉट विद डेजर्ट ईगल। तो इसी के साथ हो चुके 3-3 राउंड दोनों के। अगर गर्ल्स यही स्ट्रेटेजी लेके खेलती रही तो मुझे लगता है कि गर्ल्स पक्का हारने वाली, क्योंकि अगर 1v3 खेल रहे हो तो तुम तीनों ही साथ में। एंड यहाँ पे हो चुकी है फिर से एंजल डाउन, एंजल को कर दिया गया फिनिश आउट। मीन्स अगर जब तक तुम साथ नहीं, यहाँ पे भाई पूजा भी आई साथ साथ में, बट यहाँ पे पूजा को भी कर दिया गया डाउन। शिम्पी फिर पता नहीं गायब है गाइस, शिम्पी अलग ही एटीट्यूड में चल रही है गाइस। शिम्पी इज लाइक ठीक है ना यार, उसको पता है शिम्पी बोलती रहा कि भाई बे मैं क्या करूँ क्या करूँ बताओ। शिम्पी मार खाएगी, शिम्पी आ जा शिम्पी। ओके सो शिम्पी तो फिलहाल आ चुकी है यहाँ पे भाई। वो बट लगी नहीं पार्टी को भाई, लगती ना अभी भाई एक बॉडी चोटी पड़ा, अगर गलती से वो पड़ गया होता ना तो अभी शिम्पी फिनिश आउट हो जाती भाई। पार्टी सही मजे ले रहे हो तुम, बोलो बोलो। ये लड़के एटीट्यूड दिखा रही ना भाई, एटीट्यूड की वजह से ना लड़कियों बहुत बहुत मार खाती गाइस। अभी चाहती वो तो इजीली 3 राउंड भी ना जीतने देती, बट ना 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 इनका एटीट्यूड अलग। ओ ले ले अलवा भाई लॉल, यहाँ पे शिम्पी भी फिनिश लॉल। मुझे लगता है गाइस लड़कियों को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, अकेले आने से अच्छा है साथ में। भाई 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 यहाँ पे बहुत अच्छा वाला डैमेज पूजा की तरफ से, काफ़ी अच्छा वाला डैमेज यहाँ पे दिया भाई। पाटिल की हालत ख़राब करती है यहाँ पे तो पूजा ने आके, मीन्स क्या ही बोले गाइस। पूजा यहाँ पे कर रही है हील, पूजा की थोड़ी बहुत ही हेल्थ डाउन हुई, इतना ज़्यादा हेल्थ उसकी हेल्थ गई ही नहीं है। ओके अभी देखो लड़कियाँ, देखो गाइस देख रहे हो ना, सिर्फ पूजा को अभी भेजा है भाई। इनकी जो ये वाला एटीट्यूड अलग चल रहा है ना भाई, अलग ही लेवल है गाइस। दे वॉज लाइक कि भाई हम ही फिनिश आउट कर देंगे, किसी और की जरूरत ही क्या है। सो अभी फिलहाल तो 2-2, 3-3 लड़के आ चुके हैं पास में, देखते हैं कि क्या पार्टी फिनिश आउट कर पाएगा किसी को या नहीं। वो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश, क्योंकि ग्लू वॉल के जस्ट अपोजिट भाई भाई यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत वो हेड पड़ा, बट पूजा का भी यहाँ पे हेड पड़ा। एंड अब पाटिल के लिए गाइस इस बार मुझे नहीं लगता कि पाटिल बचने वाला है भाई। पूजा इस बार तो क्या ही मार रही है ना गाइस, क्या ही बोले मतलब। यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे डेजर्ट ईगल, ओ डेजर्ट ईगल का हेड पड़ गया भाई लॉल। MP40 से इतनी देर काम नहीं चला था, पार्टी ने सोचा कोई बात नहीं MP40 ना सही डेजर्ट। ओ भाई भाई शिम्पी आई इस बार गई, शिम्पी इस बार पहले आई, शिम्पी हमेशा लास्ट में आती, शिम्पी इस बार पहले आ गई। ओ शिम्पी भी यहाँ पे डाउन। ओके लेट्स सी, अभी बची सिर्फ अपनी एंजल, देखते हैं क्या एंजल यहाँ पे फिनिश आउट कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पाटिल की हेल्थ ऑलरेडी है डाउन यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे इजीली मुझे लगता है कि एंजल फिनिश आउट कर देगी, देखते हैं। यहाँ पे एंजल आई बट एंजल ने बहुत से यहाँ पे ग्लू लगी, पाटिल की ग्लू लगी नहीं, देखते हैं इस बार क्या होता है, क्या एंजल फिनिश आउट कर पाती या पाटिल फिनिश आउट करता है यहाँ पे। उनके फिलहाल तो जोन में जाने की तैयारी, बट यहाँ पे भाई मुझे लग रहा है M10 चला रही है यहाँ पे पूजा, सॉरी एंजल। देखते हैं एंजल क्या पाटिल को डैमेज दे पाएगी या नहीं। ओके पाटिल फिलहाल तो पहुंच चुके हैं जोन के, पाटिल के सामने वो दिया बॉडी शॉट। ओके लेट्स सी, लास्ट बंदी बची है, लास्ट बंदी, पाटिल यू कैन डू इट, पाटिल यू कैन डू इट। एक हेड शॉट, सिर्फ एक हेड शॉट, एक हेड प्लीज। देखो तू कर सकता है, फिनिश कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया, बहुत अच्छा वाला डैमेज दे दिया तूने। यू कैन डू इट लास्ट। ओ माय गॉड गाइस लॉल, मुझे तो लगा था पाटिल मरा, पट या पाटिल ने कर दिया फिनिश आउट। तो इसी के साथ हो चुका है 9th राउंड स्टार्ट। एंड देखते हैं अगर गर्ल्स फिर से सोलो आने वाली तो पक्का मार खाने वाली। पूजा आई यहाँ पे, ओके एक बॉडी शॉट भाई दो बॉडी शॉट पड़े हैं उसको। ओके यहाँ पे शिम्पी भी है भाई। इस बार गाइस मुझे लग रहा है कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे बनी है, मीन्स लास्ट जो पिछला राउंड था उसमें भी ऐसा था कि दो बंदी एक बार साथ में आई थी एंड एक बंदी लास्ट में आई थी, ठीक है। तो इस बार भी शायद इनकी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे चल रही कि भाई दो बंदियां साथ में जाके देखते कि हम फिनिश आउट कर पाते या नहीं। बट यहाँ पे पूजा हो चुकी है फिनिश आउट, शिम्पी को पड़ा हेड, शिम्पी भी यहाँ पे डाउन है गाइस। लेट्स सी यहाँ पे एंजल अकेली बचे, एंजल फिलहाल तो अभी बचाने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली पाया। वो बहुत अच्छा वाला हेड एंजल ने भी दिया पाटिल को यहाँ पे। ओके गाइस देखते हैं क्या इनकी स्ट्रेटेजी लड़कियों की वर्क करने वाली है या नहीं, जो ये इन लोगों ने स्ट्रेटेजी चलाई है कि इस बार भाई
सिंगल सिंगल तो ये नहीं फिनिश आउट कर पा रही थी पाटिल को, तो अभी डू आने लगी, मीन्स दो लड़कियां पहले और एक लड़की लास्ट में आ रही है, तो देखते क्या इनकी ये स्ट्रेटजी वर्क करती है यहाँ पे या नहीं। लास्ट अकेली बची है एंजल, क्या मुझे नहीं लगता कि एंजल के लिए, एंजल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, यहाँ पे एंजल को कर दिया गया फिनिश आउट। सो गाइस यहाँ पे वो जीत चुके हैं 6 राउंड एंड मुझे लगता है कि अब स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए, अब तीनों को ही साथ में आना चाहिए वरना बहुत गंदी मार खाने वाले ये लोग। ओके सो इसी के साथ हो चुका है 10th राउंड स्टार्ट एंड देखते क्या गर्ल्स ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी या नहीं, क्योंकि 6 राउंड पाटिल जीत चुका है भाई। अकेले यहाँ पे एंजल आ चुकी है सामने पाटिल के भाई, यहाँ पे एंजल फायर देने की कोशिश बट लगी नहीं, यहाँ पे भाई एंजल पूरी M10 शायद M10 से यहाँ पे भाई एंजल की मूवमेंट देख रहे हो गाइस, बहुत अच्छा बोला। ओ वो एंजल ने यहाँ पे कर दिया फिनिश आउट, इतनी देर से एंजल मार करती थी बट एंजल ने कहा नहीं तुम कब तक प्रो बनोगे, हम भी तो यहाँ पे है, हम भी कुछ है, तो यहाँ पे एंजल ने कर दिया फिनिश आउट। तो इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है 11th राउंड एंड देखते हैं कि क्या बंदियां फिर से क्या प्लान करने वाली। भाई शिम्पी को पड़ा बोली डैमेज, शिम्पी को पता ही नहीं शिम्पी किधर और देख रही थी, और पाटिल यहाँ पे घुस गया, पाटिल ने दिया डैमेज। ओके यहाँ पे पूजा, भाई पूजा ने बहुत सही यहाँ पे क्रोनो अपना यूज कर लिया, बहुत आड़ बच गई, एक हेड तो पड़ा था बट भाई सामने ही खड़े हो, भाई यहाँ पे शिम्पी हो चुकी है गाइस डाउन। अभी देखते दो बंदियां बची है, ठीक है पूजा और एंजल, लेट्स सी क्या वो दोनों ही फिनिश आउट कर पाएगी या नहीं। ओके पूजा यहाँ पे गई, मिस एंजल भी पहुंच गई गाइस, दोनों ही लड़कियां साथ साथ में, भाई पाटिल मरा ओ बट यहाँ पे डाउन, ओ वो 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 मिस पूजा यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करी बट अभी फिलहाल शायद बचाने की कोशिश करी, नहीं यहाँ पे नहीं सेव करने दिया पाटिल, पाटिल यहाँ पहुंच गया रश करने एंड भाई यहाँ पे दिया डैमेज एंड यहाँ पे भाई बचा मरा ओ वो 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 बट यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया पाटिल ने गाइस। ओपी पाटिल, ओपी मीन्स ओपी, क्या ही खेला।